पटना में दिन भर गहमा गहमी रही। जेडीयू के राज्यसभा सांसद आरसीपी सिंह के आवास पर लोगों का आना जाना लगा रहा। इसी बीच शाम ढलते ही आरसीपी सिंह नीतीश कुमार से मिलने पहुंच गए। महत्वपूर्ण बात यह रही कि नीतीश कुमार के साथ बैठक के दौरान इन दोनों के अलावा ललन सिंह भी मौजूद रहे। हालांकि बाहर निकलकर आरसीपी सिंह ने कुछ भी कहने से इनकार कर दिया। सवाल उठता है कि 45 मिनट तक किस मुद्दे पर बात हुई। बता दें कि केंद्रीय मंत्री आरसीपी सिंह की राजनीतिक भविष्य पर संकट के बादल मंडरा रहे हैं। आरसीपी सिंह के राज्यसभा टिकट पर फैसला नहीं लिया जा सका है। आरसीपी सिंह और उनके समर्थकों की निगाहें अब नीतीश कुमार पर टिकी है। आरसीपी सिंह की बीजेपी से बढ़ती नजदीकियों ने भी सीएम नीतीश कुमार के लिए मुश्किलें बढ़ाने का काम किया है। इस बीच दिल्ली से पटना लौटे आरसीपी सिंह ने साफ साफ शब्दों में कहा कि राज्यसभा भेजना सीएम के हाथ में है। इधर आरसीपी सिंह के खिलाफ ललन सिंह और उपेंद्र कुशवाहा मजबूती से लगे हैं। दोनों नेताओं की मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से 7 सर्कुलर रोड में मुलाकात भी हुई है। आरसीपी सिंह भी मानते हैं कि टिकट पर अंतिम फैसला नीतीश कुमार को करना। आरसीपी सिंह ने अपने बयान में कहा कि राज्यसभा टिकट पर फैसला नीतीश कुमार को लेना है। जाहिर तौर पर उन्हें ललन सिंह और उपेंद्र कुशवाहा से उम्मीद नहीं है। उनके बयानों से भी यह स्पष्ट है कि उनके राह में रोड़ा ललन सिंह और उपेंद्र कुशवाहा है। केंद्रीय मंत्री आरसीपी सिंह ने अपने ट्विटर हैंडल के बारे में सवालों को भी टाल दिया था, जिसमें जेडीयू के साथ उनके जुड़ा कई उल्लेख अब नहीं है। हालांकि इसमें उनके राजनीतिक जीवन और उनके नौकरशाही और शैक्षणिक करियर के अन्य सभी विवरण मौजूद हैं। बता दें कि आरसीपी सिंह की सीट बिहार से राज्यसभा के उन 5 सीटों में शामिल है जहां चुनाव होने हैं। 1 साल पहले नरेंद्र मोदी मंत्रिमंडल में शामिल हुए केंद्रीय मंत्री आरसीपी सिंह का राज्यसभा में लगातार दूसरा कार्यकाल चल रहा है। नीतीश कुमार के लिए भी केंद्रीय मंत्री आरसीपी सिंह और राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह के झगड़े को सुलझाना आसान नहीं है। ललन सिंह जहां जिद पर अड़े हैं, वहीं आरसीपी सिंह अपने पक्ष के विधायकों की गोलबंदी में जुटे हैं। मिल रही जानकारी के मुताबिक आरसीपी सिंह 17 विधायकों का समर्थन जुटा रखा है। यह बात दिगर है कि आरसीपी सिंह के दावत इफ्तार कार्यक्रम में 3 विधायक नहीं पहुंचे थे। अब आगे क्या कुछ होता है, क्या आरसीपी सिंह का पत्ता कट जाएगा या फिर नीतीश कुमार अंत में आरसीपी सिंह को राज्यसभा भेज देंगे, इस बात को लेकर के अंतिम फैसला नीतीश कुमार को ही करना है। नीतीश कुमार अपने फैसलों से हर बार हैरान करते हैं। क्या इस बार भी नीतीश कुमार अपने फैसलों से हैरान कर देंगे या फिर से एक बार आरसीपी सिंह पर भरोसा करके राज्यसभा उन्हें भेजेंगे या फिर नहीं भेजेंगे, ये वक्त बताएगा। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए आप बने रहें।